हेलो एवरीबॉडी, आज हम डिस्कस करेंगे वाल्टर डेलामेयर की लिखी हुई पोयम एपिटाफ, जिसका मतलब होता है समाधि लेख, यानी कि किसी ग्रेव, किसी कब्र पर लिखा हुआ कुछ लेख। जनरली हम ये देखते हैं कि टूम्बस्टोन पर या कब्र पर डेथ और बर्थ का जो ईयर है वो लिखा होता है, और कुछ लोगों के साथ में एकाध लाइंस, पंक्तियां उसके साथ में लिखी हुई होती है। तो यहां पर पोएट ने एक लेडी के लिए, वुमन के लिए जो कि काफी ब्यूटीफुल थी, ये एपिटाफ लिखा है। तो लेट्स सी कि क्या इसमें कन्वे करने की कोशिश की है। तो पोएट हमें बताना चाह रहे हैं कि जो डेथ है वो ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और एक दिन इंसान को ये दुनिया छोड़ करके जाना होता है, और तब फिर ये सारी चीजें जो हमारे फिजिकल ग्लोरी है वो भी उसके साथ में इस दुनिया से वैनिश हो जाता है। तो चाहे कोई कितना ही लाइक ब्यूटीफुल हो, या कोई कितना ही हैंडसम हो, स्मार्ट हो, लेकिन एक दिन तो उसे दुनिया छोड़ करके जाना ही है। तो ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल ग्लोरी है, जो प्राइड है हमारा फिजिकल अपीयरेंस को लेकर के, सब एक ना एक दिन समय के साथ में चला जाता है। तो यहां पर पोएट ने एक ऐसी वुमन के बारे में हु लव्ड लाइफ वेरी मच, तो किस तरह से उस आइडिया को कन्वे करने की कोशिश की है, लेट्स सी पोएट कैसे यहां पर उस बात को बता रहे हैं। तो ही सेज दैट हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी, लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट वॉज शी। तो पोएट ये कहते हैं कि हियर लाइज एक बहुत ही सुंदर, एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी अब यहां कब्र में है, एंड लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट, यानी काफी चंचल और मस्त मौला, ऑल स्प्राइटली वो एक लेडी थी। लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट यानी कि बिल्कुल मस्त मौला टाइप की, और हसमुख और चंचल तरह की वो एक लेडी थी। Who loved life very much, ऐसा हम उनके लिए कह सकते हैं, as given in the explanations about the poem in various things explained by Walter Delamere himself. तो एक बहुत ही सुंदर लेडी जो चंचल थी, जो मस्त मौला थी, ऐसी एक लेडी अब यहाँ कब्र में है। I think she was the most beautiful lady that ever was in the West country. तो पॉइंट ये कहते हैं कि आई थिंक इस पूरी वेस्ट कंट्री में शायद उनसे ब्यूटीफुल और कोई भी नहीं था। शी वॉज दी मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर वो एक लेडी थी, ऐसा मेरा सोचना है। आई थिंक शी वॉज, लेकिन फिर पॉइंट ये कहता है बट ब्यूटी वैनिशेस, beauty passes however rare it be, यानी beauty चाहे कितनी ही rare क्यों ना हो, beauty चाहे कितनी ही unique क्यों ना हो, लेकिन beauty को एक दिन vanish होना ही होता है, beauty को एक दिन pass होना ही होता है, चाहे वो कितना ही अद्भुत सुंदरता क्यों ना हो, क्या है वो कितनी अद्वितीय और अनुपम सुंदरता क्यों ना हो, लेकिन उसे एक दिन इस दुनिया से जाना ही होता है। यानी चाहे सलमान हो या ऐश्वर्या, चाहे वो प्रिंसेस डायना, चाहे मधुबाला, चाहे कोई भी कितना ही सुंदर कोई क्यों ना हो, लेकिन एक दिन वो सुंदर पर्सन, वो सुंदरता को ये दुनिया छोड़ना ही होता है, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिवर्सल, एक शाश्वत सत्य है, और इस सत्य को कोई ठुकरा नहीं सकता, इस सत्य को कोई नकार नहीं सकता। तो एक दिन ये दुनिया हमें छोड़नी ही होती है, one has to leave this world। तो ये जो वर्ल्ड है, ये दुनिया हमें एक दिन, अब चाहे वो ब्यूटी में हम कितना ही प्राइड फील करें, कितना ही हम गर्व करें, कितना ही घमंड करें, लेकिन ये घमंड जो है वो टिकने वाला नहीं है, क्योंकि एक दिन इसे चकनाचूर होना ही है, और शाश्वत सत्य के सामने इसे सर झुकाना ही होता
तो ये जो सुंदरता है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो फिजिकल ग्रेस है और ग्लोरी है, ये एक दिन समय के साथ में गुजर जाती है, निकल जाती है। तो इसलिए हम इसे इसके इस कर, इस पर हम गर्व करके हमेशा नहीं रह सकते। और चाहे वो अब वो जो लेडी थी वो बहुत ही सुंदर थी, लेकिन एक दिन उन्हें भी जाना ही पड़ा। शी लव्ड लाइफ वेरी मच, उन्हें अपनी इस लाइफ से, अपनी इस ब्यूटी से बहुत प्यार था, लेकिन अब उन्हें भी ये दुनिया छोड़ करके, उस सुंदर शरीर को भी गुजरना पड़ा और ये दुनिया छोड़ करके जाना पड़ा। तो इसलिए हाउएवर रेयर इट बी, चाहे वो कितनी ही रेयर क्यों ना हो, चाहे वो दुनिया में इकलौता इंसान ही क्यों ना हो, इतना सुंदर वो सुंदरता इतनी ही अद्भुत क्यों ना हो, लेकिन एक न एक दिन तो उसे जाना ही है। तो इसलिए पोएट अंत में ये कहते हैं, तो फिर एंड व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेम्बर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, और जब मैं चला जाऊंगा, अभी तो मैं इस ब्यूटी का गुणगान कर रहा हूँ, यानी मैं इस ब्यूटी को का बखान कर रहा हूँ, आई एम सिंगिंग द ग्लोरी ऑफ दैट ब्यूटी, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा, जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, तो फिर उस लेडी को कौन याद रखेगा। तो पोएट का कहने का मतलब ये है कि चाहे वो कोई कितना ही सुंदर क्यों ना हो, तो जैसे पोएट हमें उस ब्यूटी के बारे में, उस लेडी के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं थ्रू दिस पोएम, थ्रू दिस एपिटाफ, ओके, सो वी रिमेम्बर। अदरवाइज ये जो फिजिकल ग्लोरी है, ये जो फिजिकल अपीयरेंस है, ये शाश्वत नहीं है। जो शाश्वत है वो तो साहित्य है, शाश्वत है वो तो क्वालिटी ऑफ हेड एंड हार्ट है, केवल वही शाश्वत हो सकती है, केवल वही अमर हो सकती है। अदरवाइज जो फिजिकल ग्लोरी है और फिजिकल अपीयरेंस है, वो कभी भी अमर नहीं हो सकता। तो इस बात को यहाँ पर पोएट ने हमें समझाने की कोशिश की है कि ये जो शारीरिक सौंदर्य है, शारीरिक गुण है, ये अमर नहीं हो सकता, ये तो नश्वर है। केवल मन के गुण ही जो है वो अमर हो सकता है, केवल मन की क्वालिटीज जो है, हेड एंड हार्ट की क्वालिटीज जो है, वही अमर हो सकती है, शारीरिक चीजें कभी भी अमर नहीं हो सकती। तो उस लेडी को भी एक दिन जाना ही पड़ा। तो इसलिए अंत में पोएट ये कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ दूंगा, तो उस लेडी को फिर कौन याद रखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एपिटाफ। इसमें बड़ी छोटी सी पोएम है, जरा सी 4-5 लाइंस की ये पोएम लिखी है, लेकिन एक सुंदर सा संदेश इस पोएम के माध्यम से पोएट ने हमें दिया है। तो इसी तरह से अगली पोएम के लिए स्टे ट्यून्ड, जल्द ही मैं अगली पोएम लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।